हेलो दोस्तों, देखिए आज हम ये थालपोश का डिज़ाइन लेके आए हैं। डिज़ाइन कैसा लग रहा ज़रूर बताइएगा। पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। हमने ये तीन रंगों में बनाया हुआ है, वाइट, रेड और ग्रीन कलर। तो डिज़ाइन कैसा है ज़रूर बताइएगा। बहुत ही इजी डिज़ाइन है और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है ये। ये डिज़ाइन आप लोगों को कैसा लग रहा ज़रूर बताइएगा। इसे बनाने के लिए देखिए हमने 4 नंबर क्रोशिया यूज किया है। 4 प्लाई का उलन है जिससे हम बनाए हैं। इसे बनाने में हमारा 80 ग्राम उलन लगा है, यानी 80 ग्राम उलन लगा है। तो डिजाइन कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो चलिए अब बना लेते हैं। बनाने के लिए पहले हम ऐसे नॉट लगाएंगे, देखिए। उसके बाद 1 2 3 4 फोर चेन करेंगे। फर्स्ट वन में ले कर हम ज्वाइंट कर लेंगे ऐसे। इसके बाद 1 2 3 थ्री चेन फंदे लेंगे और डबल क्रोशिया हम बनाएंगे ऐसे। एक, देखिए एक चेन, एक ये दो हो गया। 3 4 5 6 7 तो ऐसे ही हम डबल क्रोशिया राउंड में कंप्लीट करते हैं। तो देखिए हमने पूरा 16 इसमें यानी 16 डबल क्रोशिया बना लिया। फर्स्ट वन में लेके हम ज्वाइंट करेंगे सेम जगह पे। 1 2 3 थ्री चेन, सेम जगह पे एक और डबल क्रोशिया हम बना लेंगे यहाँ पर। देखिए दो हो गया। फंदे लेंगे, उसके बगल में यहाँ पर भी हम एक पास दो डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। देखिए फिर फंदे लेंगे, फिर उसके नेक्स्ट में एक पास दो डबल क्रोशिया, दो दो डबल क्रोशिया हमें एक पास बनाना है ऐसे। फंदे लेंगे, फिर उसके नेक्स्ट में भी हम एक पास दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 32, यानी यहाँ 16 है, यहाँ 32 होगा। तो राउंड कंप्लीट करते हैं पूरा पूरा। तो हमने राउंड में पूरा 32 बना लिया, यानी 32 बना लिए। फर्स्ट वन में लिए कि हम ऐसे ज्वाइंट करेंगे। देखिए फिर सेम जगह पे 1 2 3 सेम जगह पे यहाँ पर एक और बना लेंगे, दो डबल क्रोशिया। फिर उसके नेक्स्ट में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। देखिए फिर उसके नेक्स्ट में हम एक पास दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और एक बनाएंगे दो। फिर उसके नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए फिर उसके नेक्स्ट में दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और एक बनाएंगे दो। फिर उसके नेक्स्ट में एक बनाएंगे, दो एक दो एक हमें बनाना है। एक में दो बनाएंगे, एक में एक बनाएंगे, फिर दो बनाएंगे, फिर एक बनाएंगे, दो एक ऐसे बनाते हुए पूरे राउंड में कंप्लीट करते हैं हम। तो देखिए हमने दो एक बनाते हुए पूरा कंप्लीट किए। फर्स्ट में फिर लेके हम ज्वाइंट करेंगे, फिर सेम जगह पे हम 1 2 3 चेन, सेम जगह पे दो बनाएंगे हम एक पास। उसके बाद से हम फिर एक बनाएंगे डबल क्रोशिया, उसके बाद भी हम एक बनाएंगे। देखिए दो जगह हम एक एक बना लेंगे, एक जगह दो, फिर एक एक, और उसके बाद वाले पे फिर हम दो बनाएंगे एक पास से, एक और एक बना लेंगे दो। फिर हम एक बनाएंगे, फिर उसके नेक्स्ट में भी एक बनाएंगे, फिर उसके नेक्स्ट में दो बनाएंगे एक पास। देखिए दो, उसके बाद एक एक, फिर दो, फिर एक एक, फिर दो, ऐसे बनाना। फिर दो बना लिए, फिर एक एक, फिर दो बनाएंगे, फिर एक एक, फिर दो बनाएंगे, यानी दो जगह हम एक एक बनाएंगे, फिर एक जगह दो बनाएंगे। तो ऐसे बनाते हुए पूरा कंप्लीट करते हैं। ऐसे कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद से हम फिर सेम वही चीज़ें पहले वाले में फिर ज्वाइंट करेंगे, उसके ऊपर दो बनाएंगे, फिर एक एक एक, जैसे दो जगह बनाए हैं क्या वैसे तीन बनेगा और उसके बाद दो बनेगा। तो ऐसे ही अपने हिसाब से जितना ऐसे चाहेंगे हम लोग और बढ़ा सकते हैं। दो बनाए, तीन बनाए, जैसे यहाँ एक बना, फिर दो बना, फिर तीन, ऐसे एक एक बनेगा, उसके बाद दो बनेगा। तो बढ़ते क्रम में ऐसे बनेगा। तो हम और बना लेते हैं, फिर आगे दिखा रहे हैं। तो देखिए हमने बढ़ते क्रम में, देखिए यहाँ पर दो बनाए, फिर एक 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 ऐसे करके यहाँ पर एक
यहाँ पर दो, यहाँ पर तीन, यहाँ पर चार, चार डबल क्रोशिया तक हम एक एक करके ऐसे बनाए हैं, उसके बाद दो बनाए हैं ऐसे करके, हमारा एक दो तीन चार पाँच छः लाइन, सिक्स लाइन पूरा बना लिए हैं हम बढ़ते क्रम में। अब यहाँ पर हम एक दो तीन चेन सेम जगह पे दो बना लेंगे ऐसे डबल क्रोशिया, उसके बाद यहाँ पर एक चेन करेंगे, फंदे लेंगे। अब यहाँ पे इसके बगल में नहीं बनाएंगे, उसके नेक्स्ट में बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया हम स्किप करेंगे ऐसे, एक सेम जगह पे एक और बनाएंगे, तो फिर एक चेन, फिर एक यहाँ छोड़ के इसके बाद वाले पे बनाएंगे हम एक, और फिर देखिए फिर एक चेन, फिर ये छोड़ के यहाँ पर ऐसे एक दो, देखिए फिर एक चेन, फिर ये छोड़ के इसके बाद वाले पे एक स्किप करके एक जगह बनाएंगे ऐसे, दो डबल क्रोशिया एक चेन, ऐसे बनाते हुए पूरा कंप्लीट करते हैं। तो देखिए हमने ऐसे बनाते हुए राउंड कंप्लीट किया, एक जगह बनाया एक जगह नहीं बनाया, यानी दो दो डबल क्रोशिया ऐसे छोड़ छोड़ के हम बनाए हैं ऐसे, देखिए तो दो डबल क्रोशिया ऐसे छोड़ के फिर बनाए हैं ऐसे, यानी ऐसे एक जगह बनाए एक जगह नहीं बनाए ऐसे बनाते हुए बनाए हैं, एक जगह स्किप करके और बीच में एक एक चेन किए हैं और एक पास दो दो डबल क्रोशिया बनाए हैं। फर्स्ट वन में लेके हम ज्वाइंट करेंगे ऐसे फ्लैट स्टिच से, हम ये जो एक चेन किए हैं यहाँ पर आ जाएंगे। देखिए अब यहाँ पर एक दो तीन फंदे लेंगे और फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, यानी दो डबल क्रोशिया एक पास, चेन एक करेंगे, फिर नेक्स्ट वाला है इसमें भी हम एक पास दो डबल क्रोशिया, देखिए फिर एक चेन, फिर इसके नेक्स्ट में ऐसे एक पास दो डबल क्रोशिया, फिर एक चेन करेंगे, फिर उसके नेक्स्ट में एक पास दो डबल क्रोशिया। तो जितना बनाया है सब पर हम ऐसे दो दो डबल क्रोशिया बना लेंगे और एक एक चेन करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो देखिए हमने ऐसे दो दो का और एक एक चेन करके ये स्टेप्स भी कंप्लीट किया, उसके बाद एक और, यानी एक दो तीन स्टेप्स हमने ऐसे बना लिया सेम, ऐसे बनाते हुए एक चेन और दो ऐसे। अब उसके बाद से फिर हम पहले वाले में ज्वाइंट करके और इस चेन में मिडिल में आ गए हैं, फिर एक दो तीन चेन। अब यहाँ पर हम एक पास ऐसे एक और एक दो हो गया और एक बना लेंगे तीन, तीन ऐसे बना लेंगे, फिर एक चेन करेंगे, फिर उसके नेक्स्ट वाले में भी फिर हम यहाँ पर एक दो तीन, देखिए फिर एक चेन, फिर उसके बाद से एक दो तीन, फिर एक चेन, फिर उसके बाद फिर एक दो तीन, फिर एक चेन, जैसे इसमें बनाए हैं सेम ऐसे ही बनाना है इसमें। तो एक एक चेन करेंगे और बनाएंगे, फिर आएंगे यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे, फिर इसके मिडिल में आएंगे, फिर तीन तीन बनाएंगे एक एक चेन करेंगे, तो ऐसे और बना ले रहे हैं हम, उसके बाद आगे दिखा रहे हैं फिर। तो देखिए हमने ये थ्री थ्री का भी थ्री लाइन बना लिया सेम, ऐसे थ्री बनाए वन चेन, थ्री बनाए वन चेन ऐसे कर लिए। ये टू टू का भी बनाए थे थ्री लाइन, ये भी थ्री लाइन हमने बना लिया है। फिर पहले वाले में लेके ज्वाइंट करके और पहला चेन है इसमें आ गए हैं, फिर से हम एक दो तीन चेन करेंगे और यहाँ पर फिर से हम एक एक दो तीन चार ऐसे फोर डबल क्रोशिया फिर बना लेंगे, फिर वन चेन, फिर नेक्स्ट वाले में एक दो तीन चार, फिर फोर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर वन चेन, फिर उसके नेक्स्ट में भी एक दो तीन चार, फिर से हम फोर डबल क्रोशिया, फिर वन चेन ऐसे बनाएंगे, फिर फंदे लेंगे, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे जो एक एक चेन का है उसमें हम बनाएंगे अब फोर फोर डबल क्रोशिया, कंप्लीट करेंगे, फिर बीच में बनाएंगे, फिर सेम जैसा ये सब बनाए हैं वैसे ही अभी ये बनाना है। तो हम और बना ले रहे हैं, आगे फिर दिखाते हैं। तो देखिए हमने ये फोर फोर का भी थ्री लाइन कंप्लीट कर लिया है, दो दो का ये बनाए थे दो दो डबल क्रोशिया का थ्री लाइन, थ्री थ्री डबल क्रोशिया का थ्री लाइन और फोर फोर डबल क्रोशिया का थ्री लाइन ऐसे बना के हमने कंप्लीट किया पूरा पूरा, और बीच में एक से दूसरे जाने में एक चेन ही पूरे में किए हैं। तो ऐसे बना के पूरा कंप्लीट किए। आप लोग और बढ़ा चाहते हैं तो और ऐसे बढ़ा सकते हैं। अब उसके बाद से अब इसके
बनाने के लिए हम इससे दूसरा कलर लिए हैं और लेके ये फोर बनाए हैं। इसके मिडिल में हम बनाएंगे ऐसे बांध के, यहाँ पर 1 2 3 थ्री चेन फंदे लेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे 1 1 2 3 4 1 5 ऐसे 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। और इसे हम बैक साइड ऐसे करके ये पहला जो है चेन वाला इसको लेके ऐसे बांध लेंगे। देखिए उसके बाद 1 2 3 थ्री चेन करेंगे, फंदे लेंगे, फिर ये 4 बनाए हैं डबल क्रोशिया, इसके मिडिल में फिर से बनाएंगे हम ऐसे 1 2 3 4 5 फिर से 5 बना लेंगे, फिर इसे ऐसे बैक साइड करेंगे और जो पहला बनाए हैं इसमें ही लेके फिर से ऐसे बांधेंगे, फिर 1 2 3 हम 3 3 चेन कर रहे हैं, आप लोग को कम लगे तो 4 या 5 भी कर सकते हैं चेन। फिर फंदे लेंगे, फिर इसमें बनाएंगे सेम चीज़ें, तो ऐसे बनाते हुए हम पूरे पे कंप्लीट करते हैं जितना ये बनाए हैं सब पे। देखिए हमने ये बनाते हुए पूरा कंप्लीट कर लिया, बीच में 3-3 चेन किए हैं, आप लोगों को कम लगता है तो 4 या 5 ही कर सकते हैं ऐसे कंप्लीट होने के बाद से। अब यहाँ से हम दूसरा कलर लेंगे ऐसे नॉट लगा के, और जो ये जॉइंट किए हैं इसके बीच में ऐसे ऐसे करके हम बांध लेंगे। यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 5 चेन सेम जगह पर ऐसे जॉइंट करेंगे हम। देखिए फिर 1 2 3 4 5 6 7 7 चेन फिर सेम जगह पे ही जॉइंट करेंगे, पहले 5 चेन करके जॉइंट किए फिर 7 चेन करके ऐसे, फिर 1 2 3 4 5 5 चेन। देखिए इधर 5 फिर 7 फिर 5 फिर नीचे ऐसे जॉइंट कर लेंगे यहाँ पर। देखिए उसके बाद ऐसे फंदे लेंगे और जो 3 चेन के बनाए हैं उसमें हम ऐसे हाफ डबल क्रोशिया ऐसे बनाएंगे। देखिए ऐसे 2 3 3 ऐसे बना लिए, फिर उसके बाद से हम इसमें आएंगे। देखिए यहाँ पर ऐसे ऐसे आ जाएंगे डायरेक्ट, फिर यहाँ पर ऐसे बांध के 1 2 3 4 5 5 चेन, फिर यहाँ पर ऐसे बांधेंगे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 7 चेन, फिर सेम जगह पे ही, फिर उसके बाद से 1 2 3 4 5 5 चेन, फिर सेम जगह पे ही ऐसे फिर बांध लेंगे हम। देखिए फिर फंदे लेंगे, फिर यहाँ पर ऐसे 1 2 3 चेन में फिर 3 चेन है, 3 हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर इसमें हम ऐसे जॉइंट करेंगे और उसके बाद डायरेक्ट फिर 1 2 3 4 5 5 चेन फिर बनाएंगे, फिर 7 चेन के बनाएंगे, फिर 5 चेन के बनाएंगे, फिर ऐसा बनाएंगे। तो बनाते हुए पूरे में हम बना के कंप्लीट करते हैं, जो ये बीच में है इसमें ही हमें ऐसा बनाना है 5 चेन का फिर 7 चेन का फिर 5 चेन का, और एक से दूसरे जाने में 3 चेन है उसमें 3 हाफ डबल क्रोशिया बनेगा, चाहे तो सिंगल क्रोशिया भी बना सकते हैं, और ऐसे बनाते हुए हम कंप्लीट कर ले रहे हैं। ये बनने के बाद से ये मिडिल में जो जगह खाली है यहाँ के लिए हम बनाएंगे, यहाँ के लिए एक फ्लावर बनाएंगे, उसके लिए हम ऐसे देखिए नॉट लगा के 1 2 3 4 5 5 चेन करके फर्स्ट वन में लेके ऐसे जॉइंट करेंगे, और यहाँ पर हम 1 2 3 4 4 चेन डबल फंदे ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे 1 2 3 फिर डबल फंदे, फिर यहाँ पर 1 2 3 देखिए 3 हो गया, और उसके बाद 1 2 3 3 चेन और नीचे ऐसे जॉइंट कर लेंगे। देखिए ऐसे फिर 1 2 3 4 4 चेन डबल फंदे, फिर से सेम चीज़ें बनाना है हमें 1 2 3 डबल फंदे 1 2 3
फिर तीन बना लिए ऐसे, और उसके बाद फिर हम यहाँ पर एक दो तीन चेन, फिर नीचे ऐसे, देखिए ऐसा, फिर यहाँ पर एक दो तीन चार, फोर चेन, डबल फंदे, फिर सेम चीज़ें ऐसे बनाएंगे। तो हम ऐसा और भी बना ले रहे हैं, फिर दिखा रहे हैं। तो देखिए हमने ऐसे फ्लावर बनाया, हम फाइव ऐसे बना लिए और नीचे जॉइंट किए हैं, और जो पहला बनाए हैं उसमें लेके ऐसे जॉइंट करेंगे और इसे बांध के हम कट करके निकाल लेंगे। तो देखिए, तो इसे मिडिल में ऐसे रख के और इसे हम सिल लेंगे ऐसे, में टाके लगा लेंगे बैक साइड से। इसे मिडिल वाले जगह पे ही रख के, आप चाहें तो इसमें मोती भी लगा सकते हैं आप लोग, हम ऐसे ही इसको इसमें ऐसे। इसे कट करके निकाल लेंगे हम। तो देखिए ये डिजाइन आप लोग कैसा लग रहा कमेंट करके बताइएगा, पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा, डिजाइन कैसा है जरूर बताइएगा, प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, थैंक यू।